गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक और गेम प्ले में। आज पता नहीं क्यों सुबह से मौसम काफी खराब है, पर ये सामने क्या हो रहा है? इतने सारे चोपर क्या कर रहे हैं? उनके पास तो शायद कोई खड़ा हुआ है। चलो गाड़ी को रोक कर देखते हैं और पता करते हैं क्या चल रहा है। ओ माय गॉड, ये तो मेरे को बालों वाला जायंट लग रहा है। और गाइस इस वाले को देखो, ये पहले वाले से अलग है। धत तेरी की, वहाँ तो एक और खड़ा हुआ है, लेकिन इतने बड़े दानव आखिर हमारे शहर में आए कहाँ से? एक बार इनको देखो कितने ज्यादा भयानक लग रहे हैं। क्यों ना यहाँ से ऊपर जाकर मैं उनका काम तमाम कर दूं। अबे ओए, वो कमीना कहाँ गायब हो गया? मेरे को पता करना ही होगा। चलो गाइस यहाँ से निकल कर सीधा हम बिल्डिंग के ऊपर चलते हैं, क्योंकि वो वहीं पर होगा। देखो सामने रैंप, मेरे को यहीं से जाना है, लेकिन यार ये तो काफी ऊंचा है। मेरे को वहाँ जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। यार ये रास्ता तो खत्म हो गया, शायद मेरे को यहीं रुक कर आगे पैदल जाना होगा। पर यार ये रास्ता तो काफी पतला है, मेरे को थोड़ा संभल कर चलना होगा। अबे ये तो क्रेन आ गई, सच में काफी अजीब रास्ता है। पता नहीं और कितना ऊपर जाना है। लगता है मेरे को यहाँ से जंप करना ही पड़ेगा। चल बे कूद जा। अबे ओए ओए, मैं तो बाल बाल बच गया, नहीं तो सीधा नीचे जाता। अब आगे से मेरे को संभल कर चलना होगा। ओ भाई साहब, अच्छा हुआ ये पहले फट गया, नहीं तो पता ही है क्या होता। अब मेरे को ना चाहते हुए भी इसके ऊपर से कूद कर जाना होगा। हियर वी गो। अरे बाप रे, यहाँ तो आ गए। अब मैं क्या करूँ, जल्दी से ऊपर चढ़ जाता हूँ। लगता है वापस कूदना है। यार मैं तो नीचे गिर गया, अब मेरे को वापस ऊपर चढ़कर जाना होगा। इस बार मैं ध्यान से कूदूंगा, पता नहीं और कितनी बार कूदना है। लग रहा है अब मैं सेफ जगह आ गया, क्योंकि आप देख सकते हो आगे का रास्ता काफी आसान है। लेकिन पता नहीं मेरे को ये रास्ता किस तरफ ले जा रहा है। अबे मैं तो इमारत के अंदर आ गया, ये तो एकदम खाली पड़ी हुई है, शायद इस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा। अरे बाप रे, ये अजीब दानव यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और इनके हाथों में तो बंदूक भी है, कहीं ये बड़े दानव की सेना तो नहीं? लग रहा है तोप से ही उड़ाना होगा। अबे तू कैसे बच गया? लेकिन अब नहीं बच पाएगा, लग रहा है मैंने सभी का काम तमाम कर दिया। पर गाइस एक बार इनको देखो, कितने ज्यादा भयानक लग रहे हैं। हो सकता है आगे की तरफ इनके जैसे और भी दानव हो। वैसे तो अभी तक मेरे को यहाँ पर और कोई दानव नहीं दिखा, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये रास्ता मेरे को ले जा कहाँ रहा है। ओ माय गॉड, ये तो सच में काफी विशाल है, मेरे को तो इसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा। अब मेरे को आगे जाने के लिए इसको कैसे भी खत्म करना होगा। क्यों ना इसके नीचे वाले टैंकर फोड़ दूं। ये तो एक बार में मर गया, अब मैं आराम से आगे जा पाऊंगा। अबे नहीं ना यार, यहाँ पर तो एक और दानव है। रुको इसकी भी बैंड बजाता हूँ। यार ये तो टैंकर के फूटने से पहले ही गिर गया। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे आगे का रास्ता साफ हो गया। गाइस इतना कुछ देखने के बाद भी अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो, ऐसा करने में आपको सिर्फ एक सेकंड लगेगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अरे वाह, यहाँ तो एक बाइक खड़ी हुई है, चलो इसी से आगे चलते हैं। लेकिन थोड़ा संभल कर, क्योंकि ये रास्ता काफी पतला है। ओहो, पर इन टायर पर बाइक को चलाना काफी मुश्किल है, फिर भी मैंने उसको पार कर लिया। लेकिन पता नहीं और कितना आगे जाना है। ओ माय गॉड, ये तो दूसरा वाला बड़ा जायंट है। यहीं पर उतर जाता हूँ, क्योंकि नीचे की तरफ उसकी पूरी की पूरी सेना खड़ी हुई है। पहले मेरे को इनको खत्म करना होगा। देखता हूँ मेरे बॉम्ब से कैसे बचते हैं। यार वो फट क्यों नहीं रहा। ओहो, चलो अब यहाँ से बाइक को जंप करवाते हैं। कमोन 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 कमोन। अरे बाप रे, ये कैसे बच गया? यार ये तो बार बार बच जाता है, इस बार तो मैं इसको कुचल दूंगा। देखा कितना आसान था, आखिरकार मरी गया। अब मेरे को छोटे दानव के बाद इस बड़े वाले को भी खत्म करना है, कुछ तो सोचना ही होगा। मेरे पास एक आइडिया है, देखना मैं क्या करता हूँ। चलो अब उसके पास चलते हैं। ओहो, शायद वो बाइक के साथ फट गया, बस काश मर गया हो। उसके लिए मेरे को वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। अरे वाह, आखिरकार दूसरा वाला दानव भी मर गया, इसकी तो सारी हड्डियाँ बाहर आ गई। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को आखिरी वाले को भी खत्म करना है। उसके लिए पहले मेरे को यहाँ से निकल कर इस खतरनाक रास्ते को पार करके ऊपर की तरफ जाना होगा। लेकिन पता नहीं ये रास्ता आखिर खत्म कब होगा, लगता है और चढ़ाई करना पड़ेगा। पर ये मेरे को गोलियाँ कौन मार रहा है? अरे बाप रे, यहाँ तो और भी छोटे दानव हैं। देखना कैसे इनको मार कर मैं आगे का रास्ता साफ करता हूँ। यहाँ पर एक और बच गया, लेकिन इसको बंदूक से नहीं, मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। ये तो एक बार में मर गया, बस अब मेरे को उसके पास जाना है। लेकिन सच बताऊँ तो मैं इतनी चढ़ाई करके थक गया। अच्छा हुआ मेरे को बाइक मिल गई, अब मैं इसको तेज चलाकर जल्दी से दानव के पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर बाइक चलाना उतना भी आसान नहीं है। आखिरकार मैंने उस रास्ते को पार कर लिया, पर मेरे को यही रुकना होगा, क्योंकि बाइक आगे नहीं जा सकती। मेरे को आगे का रास्ता पैरों से चढ़कर जाना होगा। अबे ये क्या, यहाँ पर तो फाइटर प्लेन खड़ा हुआ है, क्यों ना इसके अंदर बैठ कर मैं इससे दानव को मार दूं। यार इसे चलाना तो काफी आसान है। कमीने अब तो तू गया। अरे बाप रे यार, मेरा निशाना चूक गया। अब
मैं क्या करूं, क्योंकि इसके ऊपर तो गोलियों का असर भी नहीं हो रहा। चलो थोड़ा इसके करीब चलते हैं। ओहो गाइस, मेरे को लग रहा है शायद टकराने की वजह से उसको कुछ ना कुछ हुआ होगा। यार ये तो लेटा हुआ है, इसका मतलब है ये मर गया। लेकिन इसकी आंखें तो अभी भी खुली हुई है, और ये बत्तीसी क्यों दिखा रहा है? मरने के बाद ऐसा कौन करता है? देखो आर्मी भी आ गई, लगता है वापस जा रही है, क्योंकि दानव मर गया, अब उनका कोई काम नहीं है। गाइस अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और चाहते हो मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूं, तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।